Hello students, how do you do? Welcome again. Thank you very much for joining me in today's program named Samay 10 se 12 wala har ghar bane paathshala. To pyare bachcho, welcome hai aaj ki is paathshala mein. Aaj ki paathshala mein hum baat karenge. Sabse pehle hum syllabus se karte hain. So aaiye, maine aapke liye kuch PPTs taiyar ki hain. Power presentation ki sahayata se main chahta hu aap note down bhi karenge, aap likhenge abhi syllabus ko aur thoda zyada क्लियर आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपको अपनी नोटबुक्स के, आपको अपनी कॉपीज़ के, आपको अपने दिमाग के पटल पर ये सिलेबस आपको रखना ही होता है. और अपनी नोटबुक्स के फर्स्ट पेज पे आप हमेशा सिलेबस लिखते हैं, उसके बाद ही हमारा सारा प्रोसेस शुरू होगा. तो बच्चों, आने वाली वीडियोस में हम इसको, इसी सिलेबस को कवर करने की बात करेंगे. आज हम ये पता जान लें, आज हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें कि एक्चुअली सिलेबस प्लस वन इंग्लिश का है क्या. ओके, सो आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं सिलेबस. वी रियली वेलकम यू. लेट अस स्टूडेंट्स, आओ हम थोड़ा सा पहले आउटलाइन के बारे में बात कर लें. टोटल दे विल बी 100 मार्क्स स्टूडेंट्स, थ्योरी विल बी ऑफ 85 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट विल बी ऑफ 15 मार्क्स. नाउ दोज 100 मार्क्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, सो एज फॉर रिटन एग्जामिनेशन इज कंसर्न, थ्योरी पेपर इज कंसर्न, इट विल बी ऑफ 85 मार्क्स एंड यू विल टेक एग्जामिनेशन ऑफ 85 मार्क्स, फॉर 85 मार्क्स, नॉट फॉर 100 मार्क्स. ओके, 15 मार्क्स विल बी इंटरनल असेसमेंट. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. डिवीजन ऑफ सिलेबस इन सेक्शंस. ओके, सेक्शन वाइज डिवीजन क्या है हम वो देख देते हैं. सो यू कैन सी सेक्शन ए रीडिंग स्किल से डील करेगा, टोटल मार्क्स विल बी 17 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. स्टूडेंट्स, सेक्शन वी विल डील विद राइटिंग स्किल, जो आपकी लेखन कौशल होता है, लेखन निपुणता होती है, सृजनात्मकता होती है आपकी, उसी से डील करता है कॉम्पोजिशन सेक्शन से. एंड इट विल बी ऑफ 16 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, टोटल 3 क्वेश्चन will deal with your section number B. Then students, section C grammar, जो कि 10 marks का होगा, और and question number 6, 7 और 8 जो है बेटा वो deal करेंगे हमारे इस grammar section से. Now section D will deal with your textbooks. Okay, so यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं है, किताबें हैं, दो किताबें हैं बेटा, एक टेक्स्ट रीडर है, एक सप्लीमेंट्री रीडर है. कौन है, क्या है, क्या उनका डिवीजन ऑफ मार्क्स रहेगा, वो हम आने वाली नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं. हाँ, ये तो हमने देखा, एक आउटलाइन ब्रॉडली देखा, डिवीजन देखा सेक्शन वाइज. अब देखते हैं डिटेल क्या है कि सेक्शन में क्या क्या है. सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, मार्क्स टोटल 17 होंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. होगा क्या, ये रीडिंग अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन एंड नोट मेकिंग. तो दो चीज़ें के लिए दो पैसेज आएंगे, एक कॉम्प्रीहेंशन के लिए आएगा, एक नोट मेकिंग के लिए. टू अनसीन पैसेज विद अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 2 मार्क्स फॉर वोकैबुलरी सच एज वर्ड फॉर्मेशन एंड इन्फरिंग मीनिंग. ओके, द पैसेज कुड बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. जो टाइप्स रहेंगे वो फैक्चुअल पैसेज हो सकता है, लाइक इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्रिप्शंस, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा, और डिस्कर्सिव पैसेज इन्वॉल्विंग ओपिनियन, फॉर एग्जाम्पल आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव. सो ये नेचर हो सकता है, ये टाइप्स हो सकता है उन पैसेजेस का, होंगे वो अनसीन. नाउ क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए चला हुआ है हमारा. क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑफ 9.5, मतलब 9.5 मार्क्स का होगा, एंड इट विल बी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. कंटेंट क्या रहेगा इसका बच्चों, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज आएगा. नंबर ऑफ वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 600 वर्ड्स के आसपास का एक पैसेज आएगा, और दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दो पार्ट्स में रहेगा वो. 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू टेस्ट लोकल, ग्लोबल एंड डिफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन. जो आपका पार्ट ए होगा वो 5 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे, एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1.5 मार्क्स. तो 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 7.5 मार्क्स आपके यहाँ पर होंगे. और जो सेक्शन बी होगा, उन्हीं पैरा में से बेटा आपको दो वर्ड्स दिए गए होंगे, और उनके सिनोनिम्स आपको, आपके हिसाब से सिनोनिम्स वर्ड्स आपको वहाँ से ढूंढने और उनके लिखना होता है. सो इट्स क्वाइट ईजी, विल सी इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स 7.5, टोटल दे विल बी 7.5 मार्क्स इन क्वेश्चन नंबर 2. पार्ट ए विल बी नोट मेकिंग, दैट इज वॉट आई सेड इज समथिंग न्यू. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी मच इंटरेस्टिंग, मोर क्रियोस्टिक फॉर यू. ओके, नोट मेकिंग एंड अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, हमें एक फॉर्मेट भी दिया हुआ जिस फॉर्मेट में हमें करना होता है, एंड टाइटल एब्रिविएशन सब देखे उसका, एंड इट विल बी अ 4.5 मार्क्स. बी सिमिलर वर्ड्स वोकैबुलरी, सिनोनिम्स वर्ड्स जो आपको उस पैसेज में से देने होंगे. नाउ सेक्शन बी. ओके, इट वॉज सेक्शन ए. सेक्शन ए बेटा हमारा खत्म होगा, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन ही आते हैं. सेक्शन बी जिसमें कि 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, और टोटल मार्क्स होंगे इसके 16. सो लेट अस सी क्वेश्चन वाइज. एडवांस राइटिंग स्किल का है, ये कॉम्पोजिशन का है, जो ऑल क्वेश्चन विल बी कंडीशनल एंड ऑप्शनल. इस कंडीशनल आप समझते हैं जिसमें कंडीशन ऑलरेडी दे रखी होती है,
और ऑप्शनल मतलब चॉइस के वो क्वेश्चन आएंगे सारे, एक्चुअल डिस्क्रिप्शंस या रिपोर्टिंग जिसे कि हम कहते हैं, क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट होगा लेटर राइट एंड आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्शंस, ये जिसको जो आर्टिकल्स जिसे हम बच्चों कहते हैं आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्शंस, ये में हम कहते हैं लॉन्ग कंपोजिशन भी कभी कभी हम कह लेते हैं, वो सब सेक्शन बी में होगा। तो ये तीन टॉपिक्स होंगे। अब क्वेश्चन वाइज देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ओके, तो सेक्शन बी में आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और मार्क्स होंगे 16। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, मार्क्स होंगे इसके 4। और रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, वही रिपोर्ट की जो हम बात कर रहे थे बेटा, वो थर्ड क्वेश्चन होगा। आपको वर्बल इनपुट दिए गए होंगे, कुछ आपको सिचुएशन सिनेरियो दिया गया होगा, सो उस पर आपको एक रिपोर्ट बनानी है या डिटेल में लिखना है। जैसे आप कोई बस स्टैंड विजिट किए, आप कोई विलेज फेयर विजिट किए, वहाँ क्या देखा आपने, आपने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा, इस तरह के आप पहले से करते आए होंगे। सो रिपोर्टिंग का वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 ना, एंड इट विल बी ओके। वर्ड लिमिट्स भी यहाँ होते हैं बच्चों, 80 to 100 words। क्वेश्चन नंबर 4 विल बी 6 marks एंड इट विल डील विद राइटिंग लेटर्स बेस्ड ऑन गिवन इनपुट। इसमें भी गिवन इनपुट्स मतलब कंडीशंस टाइप दी होती है, सिचुएशंस दी गई होती हैं, उसी के बेस पे प्यारे बच्चों आपको राइट लेटर्स लिखना है। काइंड ऑफ लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाइज, लेटर्स टू द एडिटर्स, गिविंग सजेशंस, ओपिनियंस ऑन एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और एप्लीकेशंस फॉर अ जॉब एटसेट्रा। तो ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों हर तरह का जो लेटर है वो इस लेटर सेक्शन में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स 6 नंबर 5 है, 6 marks का होता है, वो आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, आर्टिकल्स जिसे हम कहते हैं, आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्शन होगा 1 out of 2 कंपोजिशंस बेस्ड ऑन अ विजुअल और वर्बल इनपुट। द आउटपुट में भी डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव इन नेचर सच एज एन आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़ पेपर और अ स्कूल मैगजीन और अ स्पीच। सो यर वर्ड लिमिट विल बी लिटिल बिट ऑफ मोर, इट विल बी 100 to 150 words। ओके सी डियर स्टूडेंट्स, यही जो मैं ग्रामर की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8 को कवर करेगा, टोटल 10 marks का होगा सेक्शन सी। ओके ग्रामर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन वाइज हम इसको देखते हैं, ये 10 number जो होगा वो कैसे डिवाइड होंगे। नंबर 6 जो है वो 4 marks का होगा। ओके इसके एक्चुअली 4 parts होते हैं, 4 छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेज आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, गैप फिलिंग जिसे हम कहते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अब किस किस बेस के वो फिलिंग होता है, डिटर्मिनर्स हो सकता है उसमें, मॉडल्स हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स जिसे हम कहते हैं, टेंसेस हो सकता है उसमें, एंड क्लाउजेस हो सकता है आपको उस 4 marks का बेटा, ये सारा होगा, एक एक सेंटेंस आएगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अगेन विल बी ऑफ 4 marks। अब इसके जो 4 marks होंगे इसमें क्या होगा, एडिटिंग टास्क होगा। एडिटिंग तो आप समझते हो ना, एडिट करना किसी चीज़ को, सो एडिट करना मतलब करेक्ट करना, सिंपल सी लैंग्वेज में जिसे हम कहते हैं, देयर विल बी 4 incorrect sentences, सही करना मतलब कुछ गलत सेंटेंसेस होते हैं। स्टूडेंट्स आर सपोज टू फाइंड आउट द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस सपोज टू बी करेक्टेड आफ्टर मेकिंग रिक्वायर्ड करेक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे कि आपको 4 sentences दिए गए होंगे, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी, एंड यू विल बी सपोज टू फाइंड आउट दैट एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। ओके सो उसको आपको सही करके लिखना है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 एंड अगेन 1 + 1 + 1 + 1 = 4। 2 number का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट्स वेरी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज। रीअरेंजमेंट आप समझते हो, जंबल वर्ड्स होते हैं उसको अरेंज करना होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज सेंटेंस, देयर विल बी 2 jumbled word sentences। ओके 2 sentences होंगे, दोनों के जो होंगे जंबल वर्ड्स होंगे मतलब आगे पीछे होंगे। स्टूडेंट्स आर सपोज टू रीअरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर ताकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके, उनका ऑर्डर जो आपको क्रम जो होता है वो आपको सही करना होता है, वो जंबल किए गए होते हैं। ओके सो लेट अस कम टू सेक्शन डी। कुल मिला के 43 sections हमारे 43 marks को कवर करते हैं और एक सिंगल सेक्शन हमारा सेक्शन डी जो 42 marks को कवर करता है। ओके स्टूडेंट्स सो टेक्सचुअल क्वेश्चंस, बुक्स मतलब टेक्स्ट से, बुक्स से, किताबों से क्वेश्चंस आएंगे एंड क्वेश्चंस ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक विल टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑन डिफरेंट लेवल्स, लिटरल, इन्फ्रेंशियल एंड इवेल्युएटिव बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स। अब देखिए कौन कौन सी प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर है। सो ये हमारा सेक्शन डी की बुक्स होंगी बेटा। ओके इसी में सारा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 कवर होगा। सो लेट अस कम क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन नंबर 9 4 marks। ओके टोटल 4 marks का, 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्रिशिएशन फॉलोड बाय 4 small questions। सो एक एक्सट्रैक्ट लिया जाता है पोइट्री का और कोई स्टेंजा होगा और वो आपको उसी स्टेंजे के बेस्ड पे फोर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं, वो क्वेश्चंस पूछने होते हैं जिसमें कि राइटर का, पोइम का नाम
और जो सिंपल सा उसका क्या मतलब जो उसमें थीम है क्या बात है उसी उन्हीं लाइंस में वो पूछा गया होता है. इट्स क्वाइट सिंपल. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 मार्क 6. पोइट्री हमारी 6 पोइम्स हैं, बहुत छोटी छोटी पोइम है, बहुत सुंदर पोइम है. और उसमें से 2 out of 3 कोई 3 क्वेश्चंस पूछे दिए गए होंगे, उनमें से कोई 2 आपको करने हैं पोइट्री सेक्शन से. तो ऑब्वियसली आपको पता पोइट्री सेक्शन जो है वो सप्लीमेंट्री रीडर में होता नहीं है, वो केवल इंग्लिश रीडर में होता है, टेक्स्ट में होता है. तो जो हमारा हॉर्नबिल है उसमें पोइम्स है कुछ, उन पोइम्स में से ही क्वेश्चंस आएंगे, 3 आएंगे. उसमें से आपको एक एग्जेम्पशन होगी, एक आप छोड़ सकते हैं, 2 आपको करने, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 मार्क्स 10 5 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन द लेसन्स फ्रॉम द प्रिस्क्राइब टेस्ट हॉर्नबिल. हॉर्नबिल का जो आपका प्रिस्क्राइब टेस्ट है आप उसमें से ही 6 क्वेश्चंस दिए गए होंगे छोटे छोटे, उनमें से 5 आपको करने हैं, मतलब एक आपको एग्जेम्पशन मिलता है. बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स गेनिंग टू पूरे पूरे मार्क्स लेने वाले क्वेश्चंस होते हैं. 10 out of 10 फुल स्कोप होता है कि आप ले लेते हैं इसमें. और ये क्वेश्चन नंबर 11 बेटा 10 मार्क्स का होगा. और स्मॉल क्वेश्चन होते हैं, 30 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 or 3 सेंटेंसेज जैसे मैं कह ही रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 मार्क्स 9 लॉन्ग आंसर टाइप या ऐसे टाइप जिसे हम कहते हैं बच्चों टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू टेस्ट ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड द सेट टेक्स्ट. सो आपको जो समझ आपकी जो वैश्विक समझ है केवल टेक्स्ट पाठ्यक्रम के अलावा भी आपकी क्या जिज्ञासा है उसके उसको चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए. सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यू कैन से बिग वन. ओके क्वेश्चन नंबर 12 ये 9 मार्क्स का होता है और वो हॉर्नविल से होता है बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क्स 6 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री रीडर टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन. तो सप्लीमेंट्री रीडर आपको पता है स्नैपशॉट है. ये स्नैपशॉट्स को जो 9 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हॉर्नविल से लिया गया होगा जो आपकी टेक्स्ट बुक है, और जो क्वेश्चन नंबर 13 6 मार्क्स का ये अपना स्नैपशॉट से लिया गया है. तो वही भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, बड़े क्वेश्चन होगा, 2 में से कोई आपको एक क्वेश्चन करना है. नंबर 14 एंड ये 7 मार्क्स का होगा, देखते हैं कैसा होगा. 2 out of 3 मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस. ओके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी पहले देखे, हमने लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखे ऐसे टाइप. सो ये मीडियम साइज क्वेश्चन होगा क्या, ये भी बेटा ऑप्शन होगा, चॉइस होगा आपको. 2 out of 3 कोई 3 होंगे, उनमें से आपको कोई 2 करने हैं मीडियम साइज के क्वेश्चंस, और इनका एक आपको एग्जेम्पशन इसमें होगी, और ये होंगे सप्लीमेंट्री रीडर से मतलब आपके स्नैपशॉट से. सो ईच क्वेश्चन विल गेट 3.5 मार्क्स, सो टोटल देयर विल बी 7 मार्क्स क्योंकि आपको 2 करने हैं 3 में से. सो ये रहा क्वेश्चन वाइज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का, सिलेबस का, सेक्शन का प्यारे बच्चों. तो नाउ एंड देन नाउ लेट अस स्टार्ट द वॉइज. प्यारे बच्चों कैसी लगी आपको ये स्लाइड्स, उम्मीद करता हूँ थोरली आप समझ पाए होंगे सिलेबस को, हम कामयाब रहे होंगे आपको पूरा सिलेबस समझाने में. आप प्ले पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन का आप इस तरीके से सिलेबस को नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले ही सिलेबस लिखना होता है और उसके बाद ही पूरी हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे कैसे कैसे हमने सिलेबस को कवर करना है ये सब. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें, अगली वीडियो में हम इस सिलेबस को इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम.